कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में वोट चोरी करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और घोटाला हुआ है। ये देश का सबसे बड़ा वोट चोरी और वोटर की इंफॉर्मेशन चोरी घोटाला है। बेंगलोर में इंचार्ज मंत्री खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और उनके तत्वाधान में जिस प्रकार से एक प्राइवेट एजेंसी चिलुमे के माध्यम से 8 से 10 हजार कर्मचारी हायर करके एक एक वोटर का वोटर डेटा चोरी करके एक प्राइवेट ऐप पर लगा दिया गया, जिस प्रकार से प्राइवेट कर्मचारियों को फर्जी बीएलओ के कार्ड बनाकर दे दिए गए, जिस प्रकार से बेंगलोर और कर्नाटक के वोटरों को प्राइवेट ट्रस्ट और कंपनी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बताकर उनका वोटर आईडी, उनका पता, उनका फोन नंबर, उनका आईडी, उनके ईमेल, उनके सेल फोन नंबर, उनके परिवार की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई और चोरी कर ली गई, वो दर्शाता है कि ये वोट चोरी का सबसे बड़ा स्कैंडल है। और यही नहीं, जिस प्रकार से कर्नाटक में आनन फानन में रातों रात 27 लाख वोट जोड़ दी गई और 11 लाख वोट काट दी गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। चुनाव आयोग ने इन सारी शिकायतों का और इन सब के लिए बसवराज बोम्मई जिम्मेवार है, इन सारी शिकायतों का संज्ञान लिया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी को, कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन एमबी पाटिल जी को और हम सबको ये आश्वासन दिया कि वो कर्नाटक की वोटर लिस्ट का दोबारा सारी वोटर लिस्ट की जांच करेंगे और घोटाले में जो भी शामिल पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कानूनी और आपराधिक कार्रवाई करेंगे। चुनाव आयोग ने एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को विशेष तौर से कर्नाटक भेज दिया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। चुनाव आयोग ने इस सारे हालात का संज्ञान लेते हुए एक FIR भी दर्ज करवा दी है जिसमें आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। हमें ये विश्वास है कि जो वोटर लिस्ट फ्रॉड हुई है, जो वोट चोरी का, कर्नाटक के लोगों की वोट चोरी का धंधा किया गया है, कर्नाटक के वोटरों की इंफॉर्मेशन चोरी करने का कानून के विरुद्ध जो काम किया गया है, षड्यंत्र किया गया है बसवराज बोम्मई के नेतृत्व और तत्वाधान में, उन मुख्यमंत्री को, कर्नाटक के बीजेपी के नेताओं और अधिकारियों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमें ये विश्वास है चुनाव आयोग ऐसा कर पाएगा।